हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो ये मेरी एक्टिविटी है, ये इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी है जिसका नाम है वर्ड चेन। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ एरो दिए हुए हैं, हमें इन एरो को फॉलो करना है। बट इस एक्टिविटी में करना क्या है, मेक योर वर्ड चेन। हमें क्या बनाना है, वर्ड्स का जो चेन बनाना, कैसे बनाना है। यहाँ पर थ्री लेटर वर्ड्स के थ्रू हमको इस एक्टिविटी को कम्प्लीट करना है। इसमें जैसे कि आपने देखा, सबसे पहला वर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है BAT, बैट। ओके, तो आप देख सकते हो जो इसका एंडिंग है किस पर खत्म हुआ, टी लेटर पर। ठीक है, तो हमें जो नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट जो वर्ड फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, टी से। ये जो टी से जो भी वर्ड हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, सोच करके लिखेंगे, उसका जो एंडिंग जो भी होगा लेटर, उससे ही ये जो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे करके क्या बन जाएगी, हमारा वर्ड चेन बन जाएगी। तो आइए देखते हैं कितने वर्ड हम यहाँ पर थ्री लेटर के लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है BAT, बैट। नेक्स्ट अब टी से हमें स्टार्ट करना है, तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं TAP, टैप। अब पी आया तो हमें पी से स्टार्ट करना है, हम लिख सकते हैं PAT, पैट। ये एंडिंग है टी, तो अब हमें टी से सोचना है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं TIP, टिप। अब ये एंडिंग है पी, तो हमें पी से सोचना है, तो हम पी से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ नीचे अब एरो है, तो हमें यहाँ जाना है, तो पी से हम लिख सकते हैं PIN, पिन। एंडिंग एन है, तो हम एन से शुरू करेंगे। एन से हो सकता है थ्री लेटर वर्ड नेट, NET, नेट। फिर से टी आ गया, टी से हम सोचेंगे यस, TEN, टेन। नेक्स्ट फिर से एन आया, अब हम फिर से सोचेंगे, तो हम लिख सकते हैं हाँ, NOT। फिर से एंडिंग हमारा टी आया, तो हम फिर से फाइंड आउट करते हैं टी से, तो हम लिख सकते हैं TAG, टैग। जी एंडिंग है, नेक्स्ट आएगा GOD, गॉड। नेक्स्ट है डी, तो अब डी से हमें सोचना है, तो इजी वर्ड DOG, डॉग। फिर जी एंडिंग है GAP, गैप। पी से स्टार्ट करना है, तो हम लिख सकते हैं PEG, पैग। जी से स्टार्ट करना है GET, गेट। नेक्स्ट है टी एंडिंग है, तो टी से हम लिख सकते हैं TUB, टब। लास्ट लेटर हमें क्या मिला, बी, तो हम बी से स्टार्ट करेंगे, बी से हम लिख सकते हैं BUS, बस। तो आप देख सकते हो ये हमारा एक वर्ड चेन बन गया है। आप देख सकते हो हमने ऐसे करके यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है।